इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पिक्चर चले, लोग देखें. मैं देव का और थैंक्स कहता हूँ, देव ने मुझे बुलाया. देव बहुत प्यारा फैमिली का बच्चा है हमारा, डैडी हमारे दोस्त हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे, प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाएं. मुझे देव ने बताया, ये जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है, और मैसेज बहुत ज़रूरी है. एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है. मैंने भी दंगों पे बहुत सारे आइटम बनाए हैं. जब भी यहाँ होता था मुंबई में, तो मैंने कुछ ना कुछ आइटम बनाए इस पर. मुझे याद है जब 84 में दंगे हुए, दंगों में मेरी शादी हुई थी. मेरी शादी दंगों में हुई थी साहब. हाँ, आपको बताऊं, ऐसी शादी कि सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठ के शादी की मैंने. कर्फ्यू में शादी की मैंने. जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती हैं, और एक जोश होता है. किस कारण से दंगे होते हैं, कारण बाद में पता चलता है, तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं. अच्छा, ये कारण था क्या? इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण. तो जोश होता है, हम छोड़ेंगे नहीं, हर बार बदला लेंगे. चार बदले हमारे अस्पताल में आए, उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे, उनको भी ये सब चलता रहता है. वो चार पांच दिन के बाद कोई नजर नहीं आता है. चार पांच दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है. बाल बच्चे आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ बेचारा, कोई क्या कर रहा है, अरे कोई ऐसा हो गया, इसका इसकी टांग तोड़ दी, हम भी टांग तोड़ेंगे, यार क्या बात है, अरे यार आदमी बेहोश है यार, क्या बताओ यार, वो उसका उसका ये हो गया, फलाना हो गया, अरे एक तो यार बंदा बेचारा कोमा में है यार, अभी यार 15 दिन हुआ कोमा में, अरे तो क्या 15 दिन की बात करता है यार, एक तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में यार, क्या बात कर रहा है, 47 से पड़ा हुआ है, ये 47 से पड़ा हुआ है, 47 से पड़ा हुआ है. बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है, गांधी जी ने खाना खाया? फिर लेट जाता है. तो ये तब से चल रहा है. तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि कहीं ये कहीं तो थम जाए, लोगों की आंखें खुले. एंटरटेनमेंट के साथ एक आर्ट के जरिए कोशिश करते हैं. मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. मैं जॉनी भाई से पूछना चाहूंगा. जॉनी भाई, माई क्वेश्चन इज टू यू, इफ यू कैन सी मी. जॉनी भाई, जॉनी भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर. जॉनी भाई, क्या कितना बदलाव आएगा जब हम इस तरह के, देखिए एक 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 दंगा ऑलरेडी हिंदुस्तान देख चुका है मुजफ्फरनगर की शक्ल में, जब इस तरह की फिल्म बन के आती है तो कितना बदलाव आएगा और कितना सही मैसेज जाएगा. जब हम हारमोनी की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम एक भाईचारे की बात करते हैं, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? नहीं, देखिए फिल्मों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को. देखिए हमारे हाथ में है नहीं, हमारा जो देश है ना, इतने स्टेट्स हैं और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और फॉरेनर लोग आते हैं, वो देख के थोड़ा घूमते कहते हैं कि इस देश को वाकई मैं खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा ही चला रहा है इस देश को. तो बहुत कठिन है हमारे लीडरों के लिए भी, बहुत मुश्किल है. मैं राइट सर, सबको संभालना, एडजस्ट करना. साहब भी खड़े थे ना आप. जी तो ये होता है, होता रहता है. हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि लोगों को, लोगों तक क्या बात हम पहुँचाएं, एक मैसेज पहुँचाएं. कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है. आगे देखिए, बाकी ऊपर वाला है. मेरा सवाल सत्यपाल जी के लिए. सत्यपाल जी, आपने अभी कहा कि यू नो आपके क्लास फेलो थे, SDM थे, और उस दौरान आपकी बातचीत हुई, तो वहाँ कुछ बातें आपके सामने खुल के हैं. इट्स अ सिस्टम फेलियर. इट मीन्स यू आर सेइंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. डू यू थिंक UP गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर ड्यूरिंग 2013? आई मेंशन्ड अर्लियर, इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. In fact, they are responsible for creating this kind of the riot. They did not act in time. And the officers who were working in, actually according to law, they were transferred within days. They were not allowed even to perform.
But I am sure the kind of film it has been made, I am sure it will give a very, very positive message, a message of communal harmony, social harmony in the society, and it will prove a very, very successful film. Okay, my question is to Dev. Dev, do you think it's a good start? This is your first solo film, if I'm not wrong, and that too in a very sensitive subject. Yeah. Do you think it's a good start? You know, the trailer look amazing. It is very promising what we have seen just right now. Right. Do you think it's a good start? Instead of going for a romantic film, you have chosen a sensitive subject. Right. Well, thank you so much for asking this question first, first of all. Well, I couldn't have asked for anything better than this because हमेशा से बचपन से हमारी कंडीशनिंग इसी तरीके से की गई थी कि बेटा सब इक्वल होते हैं भेदभाव नाम की चीज़ कभी मत रखना किसी के साथ मत रखना जो खाते हो बांट के खाओ जो मिलता है बांट के उसको साथ में रहो अच्छी खुशी में सबके साथ रहो दुख में सबके साथ रहो और मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला आउट ऑफ सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री कि मैं मेरे ज़रिए जो है इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम पॉजिटिव तरीके से ठीक करते आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि हिंदू मुस्लिम ये सब बाद में आया है जो हम मज़हब आए हैं ये बाद में आए हैं पहले हम इंसान हैं और इंसान जो होते हैं वो अभी आप नहीं जानते मैं कौन हूँ लेकिन मैं गिर गया तो 10 जने मुझे खड़ा करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे हाथ देने आ जाएंगे वही इंसानियत है तो इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है और इंसानियत को हमने इसमें दिखाया है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है और जो चीज़ शायद हमारे YouTube पे इंटरव्यूज़ पे या न्यूज़ के दौरान उन दिनों नहीं दिखाई गई थी कि कितने सारे मुस्लिम्स ने कितने सारे हिंदुओं की मदद की उन्हें अपने मस्जिद में पनाह दी उन्हें बचाया कितने सारे हिंदुओं ने अपने अपने घरों में मुस्लिम फैमिलीज़ को रखा जिससे कि इसको हार्म ना पहुँचे और मोहब्बत नगर जो मुजफ्फरनगर का पुराना नाम था उसको बरकरार रखते हुए वो मोहब्बत को ज़िंदा रखा आज भी ज़िंदा है और मैं वहाँ शूट करके आया हूँ मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है वहाँ पर थैंक यू